आप दोनों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे जो कल के कलाकार हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो टेलीविजन में अथवा फिल्म में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, और इन कलाकार में से एक है रुपेश, जो बहुत बड़ा ऋतिक रोशन फैन है, और इसने कहा हमसे कि हम कुछ कहना चाहेंगे ऋतिक से। लेकिन उससे पहले ऋतिक, आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं। Hey, दोस्तों, क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर मैं कहाँ हूँ और ऋतिक कहाँ पर? जब ऋतिक रोशन को लोगों ने देखा कौन प्यार है मैं, तो लोगों का कहना है कि मुझ में भी कुछ सिमिलरिटी है, मेरी आंखें हैं, थोड़ा सा फेस कट मेरा ऋतिक से मिलता है, तो प्रोफाइल लुक में मेरा लुक मैक्सिमम ऋतिक से मैच होता है, तो ऑब्वियसली मुझे लोगों ने ऋतिक कहके पुकारना चालू कर दिया। मुझे अपने लिए कुछ करना था, तो वो करने के लिए मुझे किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। ऋतिक के लुक से मुझे कहीं ना कहीं फायदा होते रहा, सो मच एक्साइटेड अबाउट इट कि मैं ऋतिक रोशन से मिलने वाला हूँ। यह जन्म मेरे साथ पुणे आने से आजू पुणे जात रहा ही माजी तो राजीवर आए आए इस मंजिल गाबरेला उतरे गाबरेला ऐसा पुणे इस रबस रुपेश, तुम कुछ कहना चाहते हो ऋतिक रोशन से? हमसे नहीं भाई, आंखें भर आई हैं, गला भर आया है रुपेश की, शब्द बाहर नहीं कौन है यहाँ पर। आप दिन दहाड़े हमें रिहर्सल हॉल में इतना कुछ करके दिखा दे, कुछ तो यहाँ पे उनके सामने आपको करके दिखाना चाहिए। आई थिंक अगर ऋतिक आप उनसे कहेंगे तो शायद वो कुछ ना कुछ तो जरूर करके दिखाएंगे आपकी तरफ। कमॉन रुपेश, कमॉन। सबसे पहले यहाँ पे जो मौजूद है हिंदुस्तान के शहंशाह, उन्हें क्रीज का प्यार भरा सलाम। कैसा लगता है ऋतिक जब एक